हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 23 अक्टूबर 2023 का सेशन लेकर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? तो ये है श्रीलंका। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत में शहरी बेरोज़गारी दर क्या थी? तो ये है 6.6%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का अपना त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया है। हाल ही में किस कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की? तो ये है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसने हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है। बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये है 10% आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये है अक्टूबर 21 और अक्टूबर 22 2023 को नई दिल्ली के मानेक शाह सेंटर में आयोजित किया जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब है? तो ये है 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लोगों और संगठनों को एकजुट करता है। IRDAI ने किस तारीख तक देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की योजना बनाई है? तो यह 31 दिसंबर 2023 तक। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अप्रैल अगस्त अवधि के लिए पूरे वर्ष के लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो यह है 36%। पर्यावरण अनुकूल और सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सौर छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र का अनावरण किसने किया? तो ये है पीयूष गोयल जी ने। माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एक डच वैज्ञानिक थे जिन्हें माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण और वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू मेजर एंड ट्रैक हंगर ऑन अ ग्लोबल स्केल। 2023 GHI रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है 111वीं। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो यह है T20 फॉर्मेट में। इस वर्ष महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई? तो यह है 4.2 परसेंटेज पॉइंट। भारत में वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो यह है 37%। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का क्या महत्व है? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ री रेनोन्ड साइंटिस्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो यह है तमिलनाडु। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किसके नाम से जाना जाता है? तो यह द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कैसा लगा आपको 23 तारीख के सेशन? कॉमेंट सेक्शन था। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।